द बोल्ड वॉइस में आपका स्वागत है, मैं हूँ शाजिया मीर। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। जिला डोडा के कहरा इलाके में आज गुलाम नबी आजाद ने एक रैली से खिताब किया और कहा कि बीजेपी को कांग्रेस पार्टी ही रोक सकती है। खराब मौसम और तेज बारिश के बावजूद हजारों लोगों ने आजाद का जबरदस्त इस्तकबाल किया। आजाद ने कांग्रेस छोड़ने के बाद और अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बनाने के बाद पहली मर्तबा अपने इलाका बोंजा का दौरा किया। गुलाम नबी आजाद ने द्रामशाला में हाल ही में एक हादसे में जमक हुए अफराद के अहले खाना से मिले आजाद ने लौहकीन से मिलकर इजहार ताज़ियत किया। श्रीनगर मजगुंड इलाके में एक नौजवान के अपने घर की छत से गिरकर मौत हुई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ये नौजवान, जिसका नाम जावेद हजाम बताया जाता है, अपने घर के छत पर कबूतरों को दाना डाल रहा था। हादसे के बाद उसे जेएमसी हॉस्पिटल लिया जाया गया, जहां उसकी मौत वाकया हुई। यहां पर लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद बाकी की हेडलाइन। High-tech car wash, the best in the town. Foam body wash, high pressure wash, vacuum cleaning, steam cleaning. Underbody high pressure wash, interior dry cleaning, a clean you can trust. High tech car wash near Malipat, Kishtwar. Break के बाद एक मर्तबा आपका फिर से स्वागत। आज मौसम के खराब होने और तेज बारिशों की वजह से जिला किश्तवाड़ और रावत में 8वीं क्लास तक स्कूलों को बंद रखा गया। इस हवाले से हर दो जिला के इंतजामियों ने सुबह ही ऑर्डर जारी किए थे। सोमवार को जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में ताजा बर्फबारी देखने को मिली, जिसके चलते इन इलाकों में दर्जे हरारत में काफी गिरावट भी देखी गई। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 9 नवंबर को खेला जाएगा और दूसरा सेमीफाइनल इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान 10 दिसंबर को खेला जाएगा, जबकि 13 नवंबर यानी एतवार को फाइनल मैच खेला जाएगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले।